बहुत फट रही है जी, बहुत फट रही है। हाँ मेरी बात ध्यान से, मैं आपसे निकल रहा हूँ, टाइम देख ले। ठीक है 7:30 बजे, ठीक है, अगर मैं 9 बजे तक नहीं पहुंचा तो आ जाइए, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, सीरियस ठीक है। कह रहा हूँ मैं। हाँ मैं भी सीरियस हूँ, 9 बजे तक नहीं पहुंचा तो मैं आ जाऊंगा। चौपटा के एंड में आ गया है तुंगनाथ मंदिर का रास्ता। यहाँ है पार्किंग, पार्क करके यहाँ पे बाइक चल रहे हैं ऊपर। अब यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक, वो भी तगड़ा। फिर से हालत थोड़ी ख़राब। तैयार हो रोहन? क्या बोलो, चुप क्यों हो? यहाँ पता थोड़ी था कि ठंड होगी। मैं तो देख के आया था भाई, ऊपर 9 डिग्री हो रहा है। Here we go again. हम शक्तिमान, हम शक्तिशाली, हम ऊपर वाले शक्ति चढ़ने के लिए, हमारे गुट्ठों में, हमारे पिछवाड़े में, हमारे काफ्स में, हमारे थाइस में, सब जगह दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चढ़ेंगे कि हमारे अंदर आग है, जुनून है, जुनून है, शक्ति है। मुझे ऐसा लग रहा है आगे बहुत ही सुंदर नज़ारा आने वाला है और आ चुका है। जय Now we are having shortcut. Shortcut. हाँ, केदारनाथ के बाद तो ही मजाक लग रहा है। केदारनाथ पे हमारे पीछे बैग थे, अभी हम खाली आते हैं। वेलकम टू टेक वन मोर शॉर्टकट, नॉट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर डायरेक्ट देयर, देयर, देयर। चलो लेट्स मूव ऑन गाइस। गाइस क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं पर अब हमें महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तुषार भाई के अंदर चीते वाली ताकत आती हुई और हमें वो लीड करते हुए। But it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue. And yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me. Everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. पाँच सौ मीटर बचा है, बादली की वजह से नीचे के नज़ारे जो है दिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप रोहन पाल को देख सकते हैं, वो थक गए हैं। रोहन पाल को हम जूम करेंगे तो ही इज़ वेरी टायर्ड। ये रहा छोटा सा मुन्ना। और हमें एक चीज़ और जानने को मिली, विंडो एक्सपी का वॉलपेपर कहाँ से आया? वो आया यहाँ से, लग रहा पूरा नहीं, थोड़ा पास हो जाओ, पूरा फील देंगे हम आपको। लग रहा है टेंट, थोड़ा सा इधर कर लो हल्का सा, ये देखो
फाइनली पहुंच गए। ये पड़ता है छोटा सा गांव है, यहाँ पे दो चार दुकानें हैं। फाइनली और अंदर तुगना का बाबा की तबीयत खराब, वो करेंगे दर्शन और हम जा रहे हैं 1.5 किलोमीटर और दूर। Let's go. A little mockery, it won't do. Not that वाला shoot, this वाला shoot. रोन का गांड फट गया। मेरे को shoot नहीं कर रहा, तू उसको shoot कर रहा है। मैं तेरे को shoot कर देगा। अब हमारे हुआ में plan में change। अब हम क्या करेंगे? अजीम भाई बहुत excited है। करेंगे camping। अगर वो वाली बात होगी ना, अगर आप आगरा गए और आपने ताजमहल नहीं देखा, तो बताओ क्यों गए आगरा? बिल्कुल चूतिया वाली बात होगी ना, बिल्कुल पागल वाली बात होगी। ये चूतिया कट कर देना। Boy. और हम यहाँ चौपटा आए और हमने टेंट नहीं लगाया, तो फायदा क्या हो ये बताओ? हमें हमें पागल कहेंगे नहीं कहेंगे लोग? हम वो बात अलग है, जाके काशीपुर झूठ बोल सकते हैं कि हमने की, लेकिन मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भोले के पास आए, या तो लाइस नो आई डोंट लाई। आप जब भी ट्रेनिंग करें तो पानी की बॉटल, सम चॉकलेट्स और पार्लेजी यू शुड कैरी इन ए पॉकेट। ओके ओके, दीज आर द गोल्डन टिप्स एंड मेडिसिंस टू। बेबी लोग तो देखो, उसकी गांव पक गया। रोहन पीछे दे, रोहन भाई अपने लोगों को छोड़ो, बेटा पीछे दे, ये रोहन भाई हाथ फैलाओ, गांव पक गया दोनों का। खुद ही कहा था इस इंसान ने। अच्छा तो बताऊं, पुराने रूम के जो हमने चार्जेस दे दिए हैं अजीम, उसका क्या करेंगे? यार ऐसे है ना, पैसा बहुत है, पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, तो आई विल पे
तो इसका मतलब आप चौपटा में टेंट भी लोगे और आपका रूम का भी पे करेगा, रूम का ही पे करेगा, लेकिन सामान आपका रूम में रहेगा, टेंट में आपका। और मैं अभी यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से 30 किलोमीटर से ऐसे ऐसे मत जा यार, ऐसे तो अभी सीधा पहुंच जाता। वो कहाँ रुके थे हम? यार रास्ता कौन सी मठ में रुके थे हम जहाँ से 30 किलोमीटर? कूकी मठ। कौन सा मठ? कूकी मठ। कूकी मठ, कूकी नहीं ऊकी। क्या कुकी? ऊकी 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 मठ। हम ऊकी मठ में रुके थे, जो यहाँ से नीचे उतर के 30 किलोमीटर दूर है चौपटा से। मैं यहाँ से बाइक उठाऊंगा, दोनों का सामान लाऊंगा। बाइक उठा, बाइक उठाएगा क्यों, चला ले उसे। बाहुबली अंदर, बाहुबली। फिर मैं रोहन के लिए मेडिसिन लाऊंगा, क्योंकि रोहन का गाँव पक गया है। इसका गाँव फट गया और हमारे मोबाइल का भी गाँव फक गया, तो मैं चार्जर लाऊंगा और थोड़ी जैकेट भी, और जैकेट भी लाऊंगा, वरना से बेबी की तरह घूमना पड़ेगा। He's my baby. Hey you, cry, cry on the camera. You'll get the publicity, man. मेरा टैलेंट। बड़ी जोर से कराया। मैं पीछे हरा रहा तो नहीं पूरा। अभी रोहन गिर गया यहाँ से, यहाँ से हमारा शॉर्टकट, शॉर्टकट यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक गिर गया। और अभी यहाँ और जाना है। तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि अब हमने तुंगनाथ से नीचे उतर के ले लिया है कैंप। अब कैंप में क्या सीन है कि 10 बजे तक यहाँ पे रात को लाइट मिलती है आपको, और ये रहा आपका हिसाब। ये वॉशरूम, ये बेड, ओ भाई साहब। और ये कहाँ पर है जगह, ये देखो पूरा घना जंगल। ये आ गए अंकल हमारे कैंप वाले। जी सर। और वो खड़ी हमारी बाइक। अजीम गया रूम पे सामान लेने, हम दोनों का गांव फट गया। क्योंकि बाहर हो गया अंधेरा, मजे मजे में जंगल में रह तो ली, अब गांव बच गया। ओ भाई, ओ भाई मेरा तो गांव बच गया। ओ भाई कोहरा हो गया, मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अजीम का तो गांव बच जाएगा। हाँ। रास्ते में एक सेक्शन 500 खरीदी। अब क्या रास्ते पर ऐसी बात करेगा क्या? बस मैं रख रहा हूँ भाई, पूरी कंपनी में दे दिया। क्यों गार्ड फट रहा है? हाँ। क्यों गार्ड क्यों फट रहा है तेरे, ये बता मुझे। रास्ते में आप बहुत पसंद कर रहा हूँ। जब होटल देखने आ रहा था रोहन, ये थोड़ी सी आगे चला गया था मुझे। हाँ। कैसे शहर के अंदर ही वहाँ फट गई थी। फट गई थी। हाँ। बहुत फट रही है जी, बहुत फट रही है। सही बात है, तू वही सो जा, फिर हम दोनों की गांठ फट जाएगी। हाँ ठीक है, 7:30 बजे ठीक है, अगर मैं 9 बजे तक नहीं पहुंचा तो आ जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ मैं भी सीरियस हूँ, 9 बजे तक नहीं पहुंचा तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं 1.5 घंटे में नहीं आया, हाँ तो तुम निकल जाना वहाँ से। ठीक है, ठीक है, सीरियस, मैं यहाँ से बस ताला लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से ताला लगा के आ जा। कितनी जल्दी लगा दी, मेरे गाड़ी फटी, मेरी गाड़ी 1 घंटे में बचा दी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मॉर्निंग एवरीवन, सुबह का सीन कुछ ऐसा यहाँ पर। ओह
हमारे रोहन पाल घूमते हुए जंगल का मजा लेते हुए, और ये वादियाँ कोई है ही नहीं भैया आसपास। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। केदारनाथ की ट्रिप पूरी खत्म हो चुकी है और मज़ा आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं फिर कभी जब नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगे। बाय बाय। स्लो डाउन फेंक दिया जाए। डाउन 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 ये।